देवों के देव महादेव भोलेनाथ शिव शंकर नीलकंठ महाकाल जैसे नामों से अलंकृत होने वाले भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ है? उनके माता और पिता कौन है? ब्रह्मा विष्णु और महेश को कैसे जन्मे है? देवी महापुराण के अनुसार इस ग्रंथ में भगवान शिव की उत्पत्ति को लेकर एक कथा है। एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि इस संसार का सृजन किसने किया है? आपका, भगवान विष्णु तथा भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ है? आपके माता और पिता कौन हैं? नारद जी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी ने तब त्रिदेवों के जन्म की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि भगवान सदाशिव आदि ब्रह्म हैं, वह ईश्वर हैं। परम ब्रह्म सदाशिव ने अपने शरीर से आदिशक्ति का सृजन किया। देवी आदिशक्ति ही पार्वती है, वह प्रकृति है, महामाया है, बुद्धित्व और विवेक की जननी तथा विकार रहित है। भगवान सदाशिव तथा आदिशक्ति के योग से ही ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। प्रकृति रूपी आदिशक्ति दुर्गा ही माता है और परम ब्रह्म सदाशिव पिता है। कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी तथा विष्णु भगवान में इस बात को लेकर झगड़ा होने लगा कि वे एक दूसरे के पिता हैं। ब्रह्मा जी कहते कि सृष्टि की रचना उन्होंने किया है तथा विष्णु जी कहते कि तुम मेरी नाभि से निकले हो। तभी परम ब्रह्म सदाशिव उन दोनों के मध्य प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो। एक को जगत की उत्पत्ति तथा दूसरे को पालन का कार्य सौंपा है। शंकर और रुद्र संहारक हैं। ओम मेरा मूल मंत्र है।